राजधानी लखनऊ में कानपुर रोड के पास लगी पटाखों की दुकानें कल 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन दिवाली मनाने के लिए पटाखे खरीदने पहुंच रहे लोग, दुकानदार और पटाखे खरीदने आए लोगों में दिखा खुशी का माहौल। दुकानदारों ने राम जी के आने की खुशी में योगी और मोदी को दिया धन्यवाद। सुनिए क्या कुछ कहा दुकानदारों ने। तैयारी की गई है, कितनी दुकानदारी अभी तक हुई है पटाखों की? पहले तो मैं सबसे पहले श्री राम जी के नाम से ही जय श्री राम के नाम से शुभारम्भ करूँगा कि जय श्री राम। और पटाखों की जहाँ तक बात करें तो दुकानदारी अभी धीरे गति से चल रही है, लेकिन अभी हमें उम्मीद है कि श्री राम जी हमारे अयोध्या में विराजमान हो रहे हैं, तो इस उपलक्ष्य में कल दुकानदारी बहुत ही भरपूर तरीके से होगी और इसका जो है फ़ायदा दुकानदारों को भी मिलेगा। और रही बात दुकानदारी की, तो दुकानदारी तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे भारत वर्ष में जो श्री राम जी का जो आगमन हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और हम लोग इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मेरा एक अपना व्यापार मंडल भी है, मानसरोवर व्यापार मंडल, वहाँ पे हमारे मंदिर में हम लोगों ने 250 से 300 दिए, जो घी के दिए होते हैं, घी के लोग घी और उसका जो है वितरण कराया है, जो पूरी तरह निःशुल्क है, और मंदिर का साज संयोजन कराया है। उसके बाद वहाँ पे रामायण रामचरितमानस का भी पाठ हो रहा है और ये सब कार्यक्रम भंडारे वगैरह भी कल होंगे और आज भी हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने मतलब इसका आयोजन किया है और घरों में झाड़ों का प्रयोग किया गया है और कल घी के दिए जलाए जाएंगे, तो इसी तरीके से हम लोग उत्साह के साथ मनाए जाएंगे।